हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और जैसे कि आ रही हूँ, आज रात को 12 बजे संतोष का बर्थडे है। हम सारे वो बर्थडे मनाने के लिए एक जगह हमने बुक करी है। आदर्श ने एक फार्म हाउस बुक किया है उसका बर्थडे मनाने के लिए, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी उसकी सारी प्रिपरेशन करने के लिए। और बहुत ही फन होने वाला है क्योंकि हर्षित भैया का भी बर्थडे है और संतोष का भी बर्थडे है, तो अभी मनाते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने कुछ दिन पहले न्यू ईयर की पार्टी की थी, चलती रहती है, तो अभी मैं थोड़ी सी पैकिंग करती हूँ और फिर आप लोगों को मिलते हैं। सारी प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि क्या क्या हमने किया है ब्लॉग में। ओके, लेट्स गो। जी, मैंने अपने ब्यूटी एलिमेंट्स मंगवा दिए हैं, सारे के सारे मंगा दिया है, फेस क्रीम मंगा दी है, और अगर किसी को बाटा कोलैब करने में साथ तो कर सकते ब्यूटी प्रोडक्ट का कोलैबोरेशन हो सकता है भैया के साथ। मैं यार अनुष्ठी तो करते ही रहते हैं, चलती रहती है। अभी हमने कुछ ऐसा देखा जो हम दिखा नहीं सकते, कोई बात नहीं। क्या हमारे परफेक्ट एकदम F1 रेसर, यहाँ पर हमने F1 रेसर से कार चलवा रहे हैं हम। अर्बन नेगी ठीक लग रहा हूँ, बहुत बढ़िया। चलो बैग मेरे को दे दो। हमारी गाड़ी का ये देख क्या हो गया, एक आया AX7L था ना। तेरी गाड़ी में जो A मिसिंग है वो मैं हूँ। अरे बैग गाड़ी में तो P भी मिसिंग है। अच्छा, अपना मैं नहीं हूँ। मेरे घर पे चप्पल पहनने के लिए नहीं है ना, गाड़ी को मैं रख रखा है सब। नेक्स्ट मेरा एम है आदर्श को एक चप्पल गिफ्ट करना, घर में पहनने की चप्पल नहीं है इसके पास। आदर्श बैग रखना है, इसको नीचे करना पड़ेगा, जमा करते हैं। मलान होम्स जगह का नाम होगा यार। अरे क्या पता उनका भी मलान होम्स ही वही हो। और भी तो हो सकते हैं मलान, वही तो यार। सही बात है, एक ही मलान थोड़ी है। चलो चलो चलो, एक बार पीछे। ऐसा लग रहा है यही गा रहा होगा, दिया हुआ भर दिया तूने। देखो दीदी ने अपना QR रखा हुआ है साथ में, ये सब उनके लिए जो बोलते हैं कि दीदी पैसे नहीं है, दीदी कैश नहीं है, उनके लिए ये स्पेशल फॉर्म कि हाँ भाई पैसे नहीं होंगे। सही बात है, सही बात है। थैंक यू दीदी, लव यू ऑल। दीदी फुल इन्फ्लुएंसर। वो उसका नंबर दे दो, हम बस पहुंच गए। हम फार्म हाउस कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा, ये नहीं होगा। आदर्श पे इतना डाउट है इनको, वो वाला कह रहे हैं, पता ही नहीं है कहाँ जाना है। जो ये भी होगा मेरे को तो ये सारे ही अच्छे लग रहे हैं, ये वाला भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है, सारे के सारे अच्छे। काश मेरा भी ऐसा घर होता ना, एक मस्त सा बड़ा सा। मेरा घर तो है वैसे। पहुंच गए हम लोग फार्म हाउस में। अर्पण की ड्राइविंग स्किल्स ने आज हमको मरते मरते बचाया है कई बार। ग्रीन वाला गेट बोला था ना, तो ये तो नहीं हो गया, किसी का पर्सनल है। देखो ना ऑडी खड़ी है। हो सकता है दोस्तों, कमेंट भर लो प्रतीश भैया सेक्सी। इसको फैन मिल गए हैं, भीम की शक्ति। ये है तो इतना बड़ा एरिया यहाँ पे हो जाएगा शूट। ये रहा दोस्तों फार्म हाउस, ये है छोटा बच्चा। हाय बोलो बेटा, हाय बोलो। गुड, मेरे को तो हंसी आ रही है, देख के सबके हाथ में कैमरा है, सब व्लॉग कर रहे हैं। भाई मेरा कंटेंट मत चुराना, मैं फिर भी बता दूं, मैं नहाने जा रहा हूं और जिस चीज को मेरे को नहाते हुए देखना है, आदर्श को नहाते हुए देखना है। प्रीतिश कुमार व्लॉग्स में जाए वो। प्रीतिश भैया सॉरी। ओ वाओ, अंदर से काफी अच्छा है। आदर्श कैसा है ये वाला ना, बाद में बुक किया जल्दीबाजी में, पर पहले वाला बढ़िया। नहीं अच्छा है इसका, जल्दी प्राइस भी बड़ा। क्या हो गया, उसी तो बड़ा है। तो किसी और वॉशरूम में चलता होगा, काफी बड़े बड़े रूम है, इतने बड़े तो क्या ही करना है। चलो ऊपर चलते हैं, मुझे तो अच्छा लग रहा है, ये बड़ी अच्छी सी जगह है। तो राहुल को कैसा लगा, राहुल कैसा लगा? मेरे को तो पसंद नहीं आया। नहीं आया पसंद, राहुल को पसंद नहीं आया। तो मेन पर्पस तो वीडियो बनाना है और मतलब बर्थडे बनाना है ना, तो वो तो यहाँ पे भी हो सकता है। यहाँ पे हमने जगह देख लिया, अच्छी वीडियो बन जाएगी। मिल गई ना तुम्हें जगह, खुश हो तुम? अब चारों ऑर्डर ले लेके आ रहा है। अरे 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 अरे, नया नया वेटर बना है, ब्रेड पकोड़ा दिया है हम लोग को, संतोष चटनी भी दिया है। अबे भूख में सब अच्छा लगता है भाई। राहुल कैसा है? राहुल को कुछ पसंद नहीं आता, कुछ नहीं। राहुल सर एक फोटो, एक फोटो। बस बस बस, इतने काफी। सर आपकी मीटिंग है सर, चलो।
राहुल इतना स्मार्ट लग रहा है, चारों तरफ कैमरे ही कैमरे से घिरा हुआ है राहुल। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग। ये देखो मिस्ट्री बॉक्स का सामान अभी इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग एक कमरे में। बहुत लंबी वीडियो बनी है भाई, 20 मिनट तक, 30 मिनट तक सारा सामान हमने अनबॉक्स कर दिया। अब सब इकट्ठा कर रहे हैं, अंदर रख रहे हैं। मिस्ट्री बॉक्स का शूट हो रहा था इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे। और अभी हम 12 बजे ही संतोष का बर्थडे भी मनाएंगे, दोनों चीज हमारी एक साथ हो जाएंगी। बहुत ही अब ये लग रहा है विला, सुंदर नहीं लग रहा अब ये विला? अब विला एकदम गजब लग रहा है। असली कलर में आया, क्या पहन लिया? ब्लैक था एक, पता नहीं कहाँ ब्लैक वाला पहन यार, ये ऑरेंज नहीं यार। तो देखो यार अब कितना सुंदर लग रहा है यार ये पूरा विला, अब लग रहा है पीला। अब भाई ब्लिंकिट वाले भैया सामान लाए, आईफोन लाए क्या? आपने ऑर्डर करा था, थैंक यू। तो देखो सारा कूड़ा यहाँ पे रखा हुआ है, थोड़ा कूड़ा वहाँ पे भी रखा हुआ है और सारे सामान अंदर ले गए। नीतीश इसको भी उठाना है, इसमें भी सामान है सारा। पीला क्या पहन लिया, ब्लिंकिट वाला बन गया। मैं तो फुल थक गई हूँ शूट करके, इन्होंने बिल्कुल आज शूट ही नहीं किया। बेचारे जकूजी यूज करने आए थे, वो भी इनका नहीं हो पाया। मैं तो भाई उससे खुश हूँ जो वो मिला है, मेरा जो चाइल्डहुड है ना वो सफल हो गया दोस्त। भैया आपका चाइल्डहुड अभी भी चल ही रहा है, कितना खुश हो जाता है ना इंसान। कुछ भी अगर उसको झूठ बोलो ना, चाहे वो तारीफ ही क्यों ना हो, क्या कर रही हूँ यार। दोस्तों प्रीतिश भैया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके, देखो यहाँ देखो लगे, अगर आप गिरे भैया दवाई नहीं खाई प्रीतिश भैया ने आज। भैया भी ना यार, मैं जरा देख रही हूँ कि सारे सामान सही से एक जगह पे रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ है। और यहाँ देखो यही है मुझे मोटिवेट करने वाला, ब्लॉगिंग करो ब्लॉगिंग करो। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहनूँ इसको जैकेट को, पकड़ जरा। वो तेरे पे प्यारी लग रही है, तू रख ले। नहीं नहीं वेरी बिग, नहीं अच्छी लग रही सीरियसली। फुल फुक रहा है इंसान। मिरर कहाँ है? मिरर बाथरूम में। सुन तो मेरी जैकेट दे दे, तेरी जैकेट में रखी है संभाल के, तय करके उस महिला में दे दे संभाल के। हाँ कैसी लग रही है दोस्तों बताओ यार कमेंट में, कैसी लग रही है जैकेट? पर सबसे फिट आ रही है ये मेरे, मतलब ऐसे यूज नहीं हो रही। पार्टी करने आओ और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो कार में भी सो जाते हैं और यहाँ पे भी सो गए हैं यार, ये इनको कुछ शर्म ही नहीं है। ग्रुप में एक बंदा तो होता है जिसे नींद बहुत आती है, वो मैं हूँ यार। और सबसे एनर्जेटिक भी यही बंदा रहता है और सबसे ज्यादा नींद भी इन्हीं को आती है। तो मैं सारी एनर्जी निकालूंगा तो रिकवरी का टाइम चाहिए होता है ना बंदे यार। बंदे को बंदी तो मिल नहीं रही, सो ही लेता हूँ उससे बढ़िया, सपनों में तो मिलेगी। एक्चुअली इनको पता नहीं मैं ना ऐसे चुपचाप लेट के सोता भी हूँ, सोता भी हूँ। तन्हाई अलोन और लोनली में जो फर्क होता है वो प्रीतिश भैया बता है ना? बिल्कुल सही, अलोन वो रहते हैं पर लोनली वो हैं, लोनली वो फील करते हैं। पार्टी करने आए सब अंदर अंदर घुस चुके हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बुक करी है, थोड़ा एंजॉय करते हैं। ये देखो ये इसने ये बेड ढूंढा ये कमरे में, ये गोल बेड, और ये आके यहाँ पे सो रहे है। सो रहे तू? Yes, बाप रे कैसा बेड है यार ये, सिंगल लोगों के लिए ना, जब सिंगल लोग सोएंगे तभी बीच वाला पैर पहुंच पाएगा लंबा, लंबे लोगों का नहीं तो बाकी साइड वाले, बाकी साइड वालों का पैर बाहर बाहर आए। ये आदर्श के लिए अच्छा बेड है ये, है ना? अच्छा लग रहा ना? हाँ एक बुक करा ये जगह और सबका बर्थडे भी हो गया, मतलब फुल कोलैब हो गया, सब कुछ हो गया एक साथ। मतलब आज हमें मिस्ट्री बॉक्स वाली वीडियो शूट करनी थी वो भी हो गई, संतोष और हर्षद भैया का बर्थडे मन जाए, हाँ फुल पैसा वसूल और मस्त यूज भी हो रहा है सामान का। एक जहाँ पे ये सो रखा है वहाँ पे प्रीतिश भैया सो रखे हैं। प्रीतिश भैया क्या कर रहे हैं? प्रीतिश भैया किसके साथ लेटे हुए हैं? प्रीतिश भैया पकड़े गए यार, कुछ नहीं कर रहा मैं, ऐसे बज्जलन लड़कों के साथ लेटना पड़ रहा है मेरा भी तो देखो, मैं मुझे भी किन के साथ लेटना पड़ रहा है भाई। तू तू लकी है, लकी तुझे इनके साथ लेटने को। भाई लोग कमेंट सेक्शन में भी देखना वो कर देंगे कि रिस्पेक्ट फॉर प्रीतिश भैया, रिस्पेक्ट फॉर प्रीतिश। 24 का हो गया वो बहन, समझा कर, यहाँ मेरे दोस्तों के बच्चे हो गए हैं। लड़कियां भैया बना देती है ना, तो मैं बदला ले रहा हूँ अपने भाइयों का, मैं बहने बना देता हूँ। कोई बदला नहीं, आपके भाई लोग सब सेटल हो जाएंगे, आप बदला ही देते रहो, सबका भाई सारे सेटल हो चुके हैं। किसी कन्या देखो कोई कमेंट सेक्शन में मेरे। क्या कर रहे हो तुम दोनों? तो अमीर ही छा गई है ये देखो, इसे चिप्स खा रहे हैं ना। क्या था ये? अच्छा हो मैंने ऐसे नहीं देखा। बॉनफायर की बात हुई थी दोस्तों, आग लगा दी है बिल्कुल। मैक्सन उठ के चला गया किनारे, हमने तो बॉनफायर की बात की थी भाई, फुल आग लगा दी है भाई। तुम मेरी हालत देखो, ठंड से भाई ऐसी तैसी हो गई है, इतनी ठंडी है यहाँ पे। भैया नीतीश भाई ने लगा दी आग प्रीतिश भैया के अंदर। अब आ रहे हैं बेचारे बर्थडे बॉय संतोष के हाथ, बेचारा राहुल भी, अच्छा राहुल तू भी था, अरे अर्पण भी तो था, यही हाथ धो दिए राहुल ने।
ये तो संतोष का केक कट चुका है, अब हम सारे केक टेस्ट करेंगे। हमारे खामी क्या होता है पार्टी में आते हैं राहुल, खाना खाते हैं थोड़ा सा, इसको टेस्ट करते हैं। सबसे कलरफुल केक है यार, ये अच्छा है। मैंने अपने दिल से तुझे एक टुकड़ा निकाल के दिया, मेरे जूतों को भी खिला दिया, दिल से खा। पूरी पार्टी हो गई है खत्म, वहाँ देखो आग भी जली थी नीचे। और अब हम निकलते हैं घर गाइस, अब हम जा रहे हैं घर की तरफ, तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। एंड गाइस व्लॉग पे 5000 कमेंट कर दो, बढ़िया व्लॉग बनाया है इसने, मैंने देखा पूरी रात मेहनत करी है इसने व्लॉग बनाने में। प्लीज गाइस 5000 कमेंट कर दो, हो जाएंगे, हो जाएंगे, क्यों नहीं होंगे, तू बोल रहा है तो ठीक है। 5000 टारगेट है कमेंट्स का, और मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।